हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं पोलिश कार, पोलिश रोबोट कार का, जो आज हम दिखा रहे हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है फन हाउस और टू इन वन लिखा हुआ, और ये दिख रहा है रोबोट की तरह। जो ये बॉक्स के ऊपर दिख रहा है वैसे ही ये परफॉर्मेंस करेगी। इसके अंदर 3 पावर्स लगती है, डबल ए बैटरी। तो इसे हम बाहर निकालते हैं अभी। तो ये निकाल रहे हैं हम बॉक्स से बाहर, और ये कुछ ऐसे दिखती है। बहुत बढ़िया लुक है इसका प्राइस के मामले में। इसकी प्राइस भी हम वीडियो के एंड में बताएंगे, और कहां से ख़रीदा है वो भी बताएंगे, और एंड में हम ये भी दिखाएंगे कि ये नाइट वर्जन में कैसे दिखती है, ये नाइट में चलाते हैं तो कैसे दिखते हैं। अभी स्क्रू को निकाल देते हैं और फिर इसके अंदर डालते हैं पावर, डबल ए बैटरी। और ये जो ऊपर वाला भी हटाना होता है, इसे हटा दिया हम। अब इसके अंदर 3 AA बैटरी डालते हैं जो पावर्स होती है, तीनों डाल देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये फर्स्ट पावर्स हमने डाल दी, ये दूसरी और ये तीसरी। अब यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं इसे, और ये चक्कर हमें निकालना होगा जिससे ये घूम सके। तो इसे निकाल दिया। अब इस ढक्कन को करते हैं फिट, अभी से करते हैं स्टार्ट। तो इसकी प्राइस हम वीडियो के एंड में दिखाएंगे। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है हमारी, तो देखते रहिए वीडियो को, हम एंड में बाकी की बातें बात करेंगे। ओके, हेलो फ्रेंड्स, इसे मैंने ख़रीदा है 466 का, और इसे मैंने मीशो से ख़रीदा है। और ये पोलिश रोबोट कार बहुत बढ़िया दिखती है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा करता है। अब हम आपको नाइट का दिखा देते हैं कि नाइट में कैसे दिखती है। तो नाइट में कुछ इस तरह की लाइटिंग दिखती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे पहले वाले वीडियो जो पोलिश की कार थी और इस पोलिश कार दोनों का कंपेरिजन वीडियो लाए, तो कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप देखना चाहते हो इस वीडियो को।
धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक।